उम्मीद है आप दिलो जान से दिन रात लगे होंगे अपने जेईई मेंस की तैयारी में। तो आज अपने छोटे से वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू समेशन टेक्निक। छोटा सा ट्रिक है जो दिमाग में आया क्वेश्चन को देखकर जो जेईई मेंस ने 2021 में पूछा है। हमारे पास एक सीक्वेंस है an n 1 टू इंफिनिटी यानी नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसकी पहली टर्म भी 1 है, इसकी दूसरी टर्म भी 1 है और साथ साथ इसकी जो टर्म्स हैं दे सैटिस्फाई दिस रीअकरेंस रिलेशन। वो इस रीअकरेंस रिलेशन को क्या करती हैं, सैटिस्फाई करती हैं और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और हमें इस समेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले कि मैं आपको वो ट्रिक वो टेक्निक बताऊं, मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे और जाकर अपने लिए कॉपी और एक पेन लेकर आएंगे और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप उस टेक्निक को अच्छे से तभी समझ पाएंगे, फील तभी कर पाएंगे जब आप इसे पहले खुद सॉल्व करके देखें, फिर आपको समझ में आए कि यार इसकी वजह यह ट्रिक तो मस्त है और आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकले, वाह सर वाह मजा आ गया। अभी यहां पॉज करो और जाके कॉपी पेन लेकर आओ और फिर करके देखो। मुझे पता तुम बहुत आलसी आदमी हो सर, कौन उठेगा। आइए अब उस ट्रिक से समझते हैं कि प्रॉब्लम आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमें टर्म्स दे रखी हैं एक रिकर्सिव रिलेशन को सैटिस्फाई करते हुए वे है an plus 2 is equal to an plus 1 plus an, जहां पर a1 1 है, a2 भी 1 है और हमें फाइंड करना है मान लीजिए सम n1 टू इंफिनिटी an अपॉन 8 की पावर n। यह सम हमें क्या करना है, दिस सम इज टू बी फाउंड आउट, यानी हमारा टारगेट यह है, दिस इज अवर टारगेट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्रेडिशनल तरीका क्या कहता है, ट्रेडिशनल तरीका ये कहता है सर पहले n को 1 रखो वहां से a3 मिलेगा, फिर n को 2 रखो वहां से हमें a4 मिलेगा, 1 रखेंगे तो a3, 2 रखोगे तो a4, 3 रखोगे तो a5, तो ऐसे कर करके हम टर्म्स निकालेंगे, फिर उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको यहां रखेंगे और फिर समेशन करेंगे। उम्मीद है आपने भी ऐसा ही किया होगा। बिल्कुल सर हमने भी लगभग ऐसा ही किया है। तो आइए अब देखते हैं उस टेक्निक को अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे रिलेशन को 8 की पावर n से डिवाइड कर देते हैं। सर यह कैसे पता चलेगा, बेटा इसको देखा तो यह ख्याल आया कि 8 की पावर n से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। सो वी डिवाइड दिस बाय 8 की पावर n, तो यह बन गया an plus 2 an plus 2 अपॉन 8 की पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स an plus 1 अपॉन 8 की पावर n प्लस an अपॉन 8। इसको ढंग से लिख देते हैं an upon 8, ये आ गया बिल्कुल सर। लेकिन यहां थोड़ा आपको डिसबैलेंस दिख रहा होगा, n plus 2 है नीचे n है, यहां n plus 1 है यहां नीचे n है, तो an का इंडेक्स 8 की पावर n के इंडेक्स से मैच करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको लिख देते हैं an plus 2 upon 8 की पावर n plus 2 into 64, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 into 8, तो यहां हो जाएगा 16, यहां कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 16 ए एन प्लस 1 अपॉन 8 की पावर एन प्लस 1 फिर प्लस ए एन अपॉन 8 की पावर एन, यह रिलेशन बन गया। अब हमने इस समेशन की वैल्यू को कितना मान रखा है, एस मान रखा है, तो दोनों साइड पर क्या लगा देते हैं सर, दोनों साइड पर हम समेशन लगा देते हैं, तो यह बन गया समेशन ए एन प्लस 2 अपॉन 8 की पावर एन प्लस 2 एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और यहां भी क्या आ गया सर 16 समेशन ए एन प्लस 1 अपॉन 8 की पावर एन प्लस 1 एन वेरीज फ्रॉम 1 टू 16 और फिर समेशन ए एन अपॉन 8 की पावर एन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो हमने 1 टू इंफिनिटी, यहां भी इंफिनिटी है भाई, मैंने गलती से 16 लिख दिया, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। तो एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ए एन प्लस 1 an plus 2, ये हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया। अब इसका वैल्यू तो कितना है सर, इसका वैल्यू तो है s, तो एक बार मैं फिर से रिलेशन यहां लिख रहा हूं 64 into summation of an plus 2 8 to the power n plus 2 is equal to 16 summation an upon an plus 1 upon 8 की पावर n plus 1 plus summation an upon 8 की पावर n n varies from 1 to infinity, और यहां भी n varies from 1 to infinity, n varies from 1 to infinity, इसका जो सम है, इसका सम तो s है, यहां तो मैं s लिख देता हूं।
अगर आप यहां एन को वन पुट करें, असल में एस क्या है जरा समझें, ये होगा ए वन अपॉन एट, ए टू अपॉन एट स्क्वायर प्लस ए थ्री अपॉन एट क्यूब प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर अगर देखा जाए, इसमें जब वन पुट करेंगे तो आएगा ए टू अपॉन एट स्क्वायर, ए थ्री अपॉन एट क्यूब प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। को देखा जाए तो एस में से, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है एस, तो एस में से क्या मिसिंग है बेटा? सर एस में से ए वन बाय एट मिसिंग है। तो हम इसका जो सम लिख सकते हैं वो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 16 इंटू एस माइनस ए वन बाय एट। बिल्कुल सर, समझ में आया, क्योंकि यहां ए वन बाय एट मिसिंग है। इधर आ जाओ, ये है 64, और अगर मैं इसका समेशन लिखूं तो इसमें जैसे आप इनको वन रखोगे तो आएगा ए थ्री अपॉन एट क्यूब प्लस ए फोर अपॉन एट की पावर फोर प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। तो तुम मुझे बताओ इसमें क्या क्या मिसिंग है? सर इसमें दो चीज मिसिंग है, ए वन अपॉन एट माइनस ए टू अपॉन एट स्क्वायर, ये मिसिंग है। तो जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आ गया 64 एस माइनस एट ए वन माइनस ए टू, 16 एस माइनस टू ए वन प्लस एस, 64 एस आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर। फिर यह भी एस एक दिखाई दे रहा है और ये एस दिखाई दे रहा है, सबको इकट्ठा कर लो, 60 48 माइनस वन 47 एस इज इक्वल टू 6A1 प्लस A2। और गौर से याद करो कि A1 और A2 दोनों कितने दे रखे हैं, 1। तो ये वैल्यू को अगर मैं 1 रख देता हूं, दिस बिकम्स 7। तो ये हो गया 47 टाइम्स समेशन An अपॉन 8 की पावर n, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी इज इक्वल टू 7। और यही तो पूछा था जेईई मेंस ने, बिल्कुल सर यही पूछा है, यानी कि यह खटाक से फाइंड हमने कर लिया, बहुत ही जल्दी फाइंड हो गया इस टेक्निक से। तो ये टेक्निक कहां यूज कर सकते हैं, पहले दूसरा सवाल, ये टेक्निक वहां यूज कर सकते हैं जहां हमें इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना हो और उस सीरीज की जो टर्म्स हैं वो एक रिकरेंस रिलेशन को क्या करती हो, सैटिस्फाई करती हो। सर एक सवाल और करा देते तो ज्यादा अच्छा था, हमें और अच्छा फील आ जाता। मैं ये बात बिल्कुल समझता हूं कि मैंने अगर आपको बोल दिया कि साइकिल ऐसे चलाते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि आप अगले दिन साइकिल चलाने लगेंगे। जब तक आप साइकिल खुद चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, दो बार गिरेंगे नहीं, तीन बार खून निकलेगा नहीं, चार बार टक्कर मारेंगे नहीं, तब तक साइकिल चलाना नहीं आएगा। तो